हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी पर म्यूज़िक लगाने के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम पर जो कोई भी व्यक्ति स्टोरी लगाता है, साथ में वो उसकी बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी सेट करता है, और जो म्यूजिक होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टाग्राम का ही होता है। इंस्टाग्राम पर बहुत से म्यूजिक पहले से लाइब्रेरी ऑलरेडी अपलोड है, और आप चाहें तो अपनी स्टोरी पर वहां से कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं। लाखों की तादाद में वहां पर आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि आखिर अगर आप भी स्टोरी पर म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया है, और अगर आपको यहाँ स्टोरी के ऊपर म्यूज़िक लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए। देखिए, स्टोरी लगाने के लिए मैं यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है, और उसके बाद जो भी आपको करना है, अगर पोस्ट, रील या फिर स्टोरी, जो भी आपको यहाँ पब्लिश करना है, तो मुझे भी स्टोरी को पब्लिश करना है। स्टोरी को चूज़ करने के बाद यहाँ पे कैमरा चल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो या फिर फ़ोटो जो भी आप लगाना चाहते हैं अपनी स्टोरी पर वो यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे, मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए ये वाला आप देख सकते हैं, थीम टाइप का एक आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पे लोकेशन हो गया, मेंशन हो गया, हैशटैग, जो भी आप लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। बट अभी हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो आपको एक ये देखिए यहाँ पे इस तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी म्यूज़िक की, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैंने अभी बताया कि एक लाइब्रेरी ऑलरेडी अपलोड है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी यहाँ पर सॉन्ग देखने को मिलेंगे। आप जो चाहें यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको प्ले कर लेता हूँ। देखिए, मैंने सॉन्ग को कॉपीराइट की वजह से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सॉन्ग आपके जो आपकी स्टोरी है उसके ऊपर लग चुका है। और ध्यान एक बात का और रखना है, यहाँ पे नीचे देखिए पूरा सॉन्ग है, ये आप देखिए यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा सॉन्ग है। तो आपको जहाँ से भी लगाना हो, आप बीच में ये एक बॉक्स देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है वाइट कलर का, इस बीच जो भी आप सॉन्ग आएगा, जो भी सॉन्ग की वॉइस होगी, वही आपकी स्टोरी पर अप्लाई हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके आप अपने हिसाब से जहाँ से भी आपको सॉन्ग का पार्ट लगाना है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, लगाने के बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे, और डन पर क्लिक करने के जैसे ही आप सेंड टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस तरह की पॉपअप देखेंगे, जहाँ पे आपको अगर ये स्टोरी पर की स्टोरी आप देख सकते हैं ये सेव हो चुकी है और स्टोरी आपकी लग चुकी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, और आप जानते हैं इंस्टाग्राम पर बहुत से ही बढ़िया बढ़िया एडिटिंग के आपको फीचर मिलते हैं, और इसी तरह आपका जो बैकग्राउंड में म्यूजिक का फीचर है, ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है, और इस तरह से आप अपनी स्टोरी पर बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हैं। आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे लगाते हैं स्टोरी पर वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे आप अपडेट्स देखना चाहते हैं, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें, और जैसे ही हमारा नया वीडियो आए, हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, वीडियो आपसे मिस ना हो।